राप्ती नदी में आए भीषण बाढ़ के कारण श्रावस्ती जनपद ब्लॉक हरिहरपुर रानी ग्राम पंचायत मनकापुर के निवासी रक्षा राम उर्फ राम स्वरूप सहित 50 परिवारों का घर बुरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिससे 50 परिवार के सभी 500 लोग बेघर हो चुके हैं। हमारा गांव जो है घर यहां पड़ता था इसी ग्राम सभा में, और मेरा घर जब कटा तो मैं इसको पूरे गांव बचाने के लिए बराबर कागज दिया और उसके सबूत हैं, डाक द्वारा भेजा, फैक्स किया कि हमारे कम से कम 300 घर हैं जो पानी में समाहित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ठोकर लगाया गया वो भी नामचार के लिए। बाकी ग्राम सभा जो है मनकापुर बसाने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया, लेकिन हमारा प्रशासन सुना नहीं। पहले खेती हमारी कट गए, फिर घर कट गया, हम रोड पे बनाया है, अधिकारी आते हैं यहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं तुम लोग यहाँ से उजाड़ लीजिए, न जो है हम जिसे भी भेजवा के फोर्स भेजवा के जो है यहाँ से उजड़वा देंगे। डैम आए, तहसीलदार आए, लेखपाल आए, सब लोग कहते हैं आपको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। परेशानी तो यही है कि भैया घर कुरिया रहा वो कट गवा, नान नान बच्चे लिए मंदिर महन परी हन, खेत पात रहा भी कट गवा, वो से तरसना भोग है, मजूरी जो बच्चे रेहर वहर करत हैं तो बैठक जगह नहीं कि कई के लाई तो कहाँ खाई कहाँ बैठी। कितना नुकसान हुआ है आपका? अरे नुकसान तो भैया बहुत भवा, कौन बता दी, जब घर कुरिया तक नहीं रहेगा, ओढ़ना बिछौना तक नहीं रहेगा, वह गला पात रहा वो भी सब चला गया, तो अब कौन नुकसान बता दिए, कौन नुकसान ना बता दी, जब घरे कट गया सब बीच धर्म गवा तो पा कहीं। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग श्रावस्ती जनपद के जिला अधिकारी का मोबाइल नंबर 94-54-41-75-38 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें ताकि परिवारों को बचाया जा सके। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया नाहट के लिए।